देखो दीदी लोग यहाँ पे बोले चलो सबको ढूंढना है। ओके अभी आना तुम। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर तो कभी शक हो जाएगा कि कोई यहाँ आया। वापस देखो खिड़की, ये देखो नहीं है, वापस खिड़की क्यों दे देती हूँ ना बोले। अगर तू किसी को बताना नहीं चाहती तो मत बता, लेकिन ये जो खोज की नाम कर रही है अभी सामने आया है। मैंने झूठ बोल के उसको यहाँ बुलाया और वो आई, तो जाहिर सी बात है वो जानती है कि ये जगह क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, आपको बताने के लिए एग्री कर रही है, तो क्या इमोशनल आप उसके ऊपर शस्त्र छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं, सिद्धि वो भी है जितनी मैं भी हूँ। पहले भी कई बार हम दोनों ने कॉन्फ्लिक्ट सुने, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अपनी सिद्ध से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ निकाली। सुबह आपका स्वाब जो है वो भी दाव पर लगा हुआ है, ये मतलब उन्होंने आपको टाइम की वो इंप्रेशन दी हुई है कि शाम तक अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जानने के बाद में अब आप इन्वेस्टिगेशन छोड़ेंगी कि उसकी तरफ आगे बढ़ेंगी? नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, बिकॉज अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो शायद मैं ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती, पर आज यहाँ मैं आई। उसके बाद रोली ने यहाँ आकर मुझे मतलब मुझे पूरा यकीन दिला दिया, साबित कर दिया कि जो मैं सोच रही हूँ रोली कहीं ना कहीं किसी बुद्धि में बची हुई है। तो इफ इट हैज टू बी दिस थिंग, तो ये सब जानते मेरे साथ तो ये सब जानते हुए रोली अब आपकी मदद करेगी। ये आप समझ लीजिए। चलिए फाइनली जाना जाना चाहेंगे, मतलब जाना चाहेंगे दर्शकों को कि जो स्पेसिफिक ट्रैक आ रहा है बुद्धिया सुलझाने का, और आप अकेली डिटेक्टिव दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक में? पिछले आई थिंक जब से ये हमारा टारगेट अट्रैक्शन हुआ तब से हमने एक थ्रिलर फ्लेवर पकड़ा है जो आज से पहले इस हद तक एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी कि आप सबने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। बट जैसे कि हमने इमोशनल फ्लेवर था उसको भी हर बार एक बहुत ही अलग लेवल पर हम ले गए थे, और इस बार भी एक बहुत ही अलग और बहुत ही फ्रेश लेवल पर जाने वाला है। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच।